बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जब हमारा वजन बढ़ना शुरू हो जाता है या हम डायबिटीज का शिकार होते हैं, तो उस सूरत में हम ज्यादा केयरफुल हो जाते हैं कैलोरीज इनटेक के हवाले से। हम ऐसी खुराक खाते हैं जिसमें शुगर कम हो, और उसके लिए हम डाइट जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उनका इंतखाब करते हैं। जबकि इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि एक रिसेंटली स्टडी पब्लिश हुई है बड़े ही अच्छे एक जर्नल में, जिसमें 80,000 वुमेन्स पे मोर देन डिकेड यानी 10 साल से ज्यादा रिसर्च की गई है, और उसके नतायज जो सामने आए हैं वो इंतहाई खतरनाक हैं। खतरनाक इन द सेंस कि जो लोग सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, और खासतौर पे वो सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं जिसमें जो कि डाइट होते हैं, जैसे कि हम डाइट कोक या पेप्सी या इस तरह के जो डाइट सोडाज हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, तो उस सूरत में जो लोग इस तरह के डाइट सोडाज का इस्तेमाल करते थे, उस सूरत में उनके स्ट्रोक की जो रेशियो थी वो 31% ज्यादा होगी। हार्ट अटैक की जो रेशियो थी वो 29% ज्यादा होगी। और ऐसे लोग जो कि सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल करते थे, जो कि डाइट थे, उनमें मॉर्टेलिटी यानी मरने की शरह जो थी वो 16% बढ़ गई। अब ये किस तरह से डाइट सोडा जो होता है वो आपकी सेहत को मुतासर करता है, इस पे रिसर्च हो रही है, क्योंकि ये एक नए आर्टिफिशियल स्वीटनर सामने आए हैं और इस पे मजीद काम होने की जरूरत है। तो ये किस तरह से आपकी हेल्थ को अफेक्ट करता है, इस पे जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी और जो नतीजे सामने आएंगे वो हम इंशाल्लाह ताला आपसे शेयर करते चलेंगे। लेकिन ये रिसर्च जो है ये इंडिकेट करती है कि जितने भी डाइट ड्रिंक्स होते हैं जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो इंतहाई खतरनाक होते हैं। उसमें जो आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है खासतौर पर, वो बहुत ज्यादा मुतासर होती है, और हो सकता है कि इसके इस्तेमाल करने से बहुत जल्दी आपकी डेथ हो जाए, एज कम्पेयर टू अगर जो आप नॉर्मल सॉफ्ट ड्रिंक इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपके लिए ये स्टडी काफी हेल्पफुल होगी। आप मुहतात हो जाएंगे अगर आप डाइट सोडास का इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह से जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आए हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे।